सरकार ने दालों का आयात खोल दिया है। इससे संबंधित आदेश भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 4 तरह की 6.5 लाख मीट्रिक टन दालों का ही आयात किया जा सकेगा। तुअर 2 लाख, उड़द 1.5 लाख, मूंग 1.5 लाख और मटर 1.5 लाख मीट्रिक टन आयात की जा सकेगी। संभवतः पहली बार होगा जब दाल आयात खुलने पर केवल मिलों को इसमें मौका दिया जा रहा है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री से दिल्ली जाकर मिला था, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने कहा था कि दालों का उत्पादन इस बार सामान्य से कम हुआ है। वहीं 2 साल से तुअर दाल MRP से भी कम दाम में बिक रही है, ऐसे में दालों का आयात खोल दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें WOTO का भी हवाला देते हुए कहा कि उसके अंतर्गत भी दालों का आयात किया जा सकता है। एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल की मांग को मानते हुए सरकार ने आयात खोलने संबंधी आदेश को जारी कर दिया। देखिए, भारत में 2 साल से जो आयात हो रहा है उस पर सरकार ने एक कोटा जारी किया। पिछले साल 6 लाख मैट्रिक टन का किया था, इस बार 6.5 लाख मैट्रिक टन का किया है। तो हमने भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी से निवेदन किया था, सुरेश जी प्रभु जी से निवेदन किया था कि ये जो आप कोटा दे रहे हैं इसको मंगाने की जिम्मेदारी आप प्रोसेसर को दें, उन लोगों को दें जो इसको मंगा के दाल बना के इंडिया में बेचें। पहले ये कोटा आम आदमी ट्रेडर्स मंगाता था और वो मंगा के अपने अपने गोदामों में काफ़ी स्टॉक कर लेता था, मगर जब दाल मिल वाला अगर मंगाएगा तो उसका पहला लक्ष्य रहेगा अपने कारखाने में उसकी दाल बना के विक्रय करना। तो ये भारत सरकार ने हमारी मांग को मंजूर करते हुए परसों के दिन आर्डर निकाला है कि हिंदुस्तान के दाल मिल वाले इसको मंगाएंगे पूरे विश्व से, और ये कोटा दाल उद्योग को उन्होंने दिया है। उसके पीछे भी उन्हें कई सोच है कि दाल मिल वाले अगर मंगाएंगे तो दाल बनाएंगे ताकि गोदामों में संग्रह नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा, गोदामों में मुनाफाखोरी नहीं होगी। तो ये भारत सरकार ने हमको इंदौर से भारती व्यास की एक खास रिपोर्ट।